नमस्कार, मैं शैलेश मौर्य आप सभी के अपने चैनल SM ट्रांसलेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी का दूसरा एपिसोड यानी कोड का इस्तेमाल। कल हमने पढ़ा था कैन का इस्तेमाल और आज पढ़ेंगे कुड का इस्तेमाल। तो ठीक है, आइए पढ़ते हैं कैन का कुड का इस्तेमाल यानी यूज ऑफ कुड। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो आधुनिक में क्रियाएं प्रचलित हैं यानी ज़्यादा चलती हैं, आधुनिक में जो बोला जाता है उसे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी का दूसरा आज है कुड का प्रयोग। ठीक, कैन का प्रयोग अगर कैन का बात कर रहे हैं, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक, कैन का प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं, वाक्य के अंत में क्या आता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन इसके जो कुड का है, ये जो वाक्य है, वाक्य के अंत में सकता था सकती थी, सकते थे, ये आएगा वाक्य के अंत में। सकता था, सकती थे, सकते थे, जब वाक्य के अंत में आए तो ये यहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जो इसमें क्षमता, बल प्रदर्शन, इच्छा, अनुमति जो भी दिया जाएगा ये भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में किया गया होगा। ठीक है, यानी जब वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, सामर्थ्य दिखाया गया हो वो भी पास्ट टेंस में, तो हम वहां पर कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जहां पर सकता है, सकती है, सकते हैं, वहां पर कैन का इस्तेमाल यानी प्रेजेंट टेंस के लिए कैन का इस्तेमाल और पास्ट टेंस के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं यहाँ पे इसका। अगर रूल देखें तो रूल एकदम सिंपल सा रहता है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, सो ऑन। ठीक, इस प्रकार देखिए, चाहे वह बहुवचन क्रिया हो या एकवचन क्रिया हो, सहायक मतलब सब्जेक्ट हो, एकवचन हो या बहुवचन सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल का अगर बात करें, एग्जाम्पल का तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे, देखिए, वह पढ़ाई कर सकता था, ऐसे देते, वह पढ़ाई कर सकता था, यानी ये भूतकाल की क्रिया है, भूतकाल में ही वाक्य है, यानी कर सकता था अब उसका कोनो अस्तित्व नहीं है। ठीक, कर सकता था यानी जब अंतिम में सकता था, सकती थी, सकते थे आए तो हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वह यानी ही। ठीक, अगर लड़की रहेगी तो सी और लड़का रहेगा तो ही कुड अब क्या कर रहा है, करना है ना, तो डू टू रीड। अब देखिए, आप कहेंगे यहाँ डू और रीड क्यों लगाए हैं, तो जब दो दो क्रियाएं हों यानी पढ़ना भी है और करना भी है, तो ऐसे में हम दोनों क्रियाओं के बीच में टू लगाते हैं, तो यहाँ डू टू रीड यानी ही कुड डू टू रीड। या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं आम भाषा में, ही कुड रीड, लेकिन ये उचित होगा, ये अनुचित। ठीक, चलिए अगर और अलग बात करें तो वह गीत गा सकता था। ठीक, ऐसे देते अमित तो सकता शक्ति आएगा तो हो जाएगा ही कुड सिंग एंड He could sing and song. तो इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर बात करें तो हम कपड़ा नहीं
भूल सकते थे, ऐसे दे सकते थे अंत में। अब देखिए यहाँ कपड़े नहीं धो सकते थे, इसमें नहीं आ गया तो घबराने वाला बात नहीं है, कुट के बाद हम नॉट लगा देंगे। ठीक, तो इसको अगर हम बात करें, इसका अगर हम लोग ट्रांसलेशन करें तो इस प्रकार होगा, वी कुड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ठीक, यानी हम कपड़े नहीं धो सकते हैं, तो इसका अगर बनाएं तो ऐसे होगा, वी कुड नॉट वॉश वॉश द क्लॉथ्स। देखिए कपड़े ज्यादा इसीलिए क्लॉथ लेता है। ठीक, अच्छा एक कपड़ा है तो क्लॉथ बस। और अगर एग्जांपल का बात करें, तुम बाजार जा सकते थे सब्जी लाने। ठीक, तुम बाजार जा सकते थे सब्जी लाने, तो इसको ट्रांसलेट अगर करें तो हो जाएगा, यू कुड गो टू द मार्केट फॉर कैरी वेजिटेबल। ठीक, इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।